Hey, what's up, you guys? It's me, Divisha. Oh my god, I am doing this after a long time. In fact, saalo baat kar rahi hu main ye. Anyway, so for people who know me well, I am back and I have a lot to tell you guys, so stay. And for people jo kahin se ghoomte firte yahan pe aa gaye hain, well, let me give you some context. Mera naam hai Dr. Divisha, maine MBBS kiya hai. Main YouTube pe content creator bhi thi, as you can see. एंड ये वीडियो मेरी नीट पीजी की कहानी है, या यूं कह लो कि ये वीडियो मेरी नीट पीजी की फेलियर की कहानी है. सो द थिंग इज, आई वॉज नेवर डूइंग यूट्यूब फुल टाइम. आई ऑलवेज ड्रीम्ड ऑफ बिकमिंग अ डॉक्टर. बट यूट्यूब पे वीडियोज़ बनाने में, अलग अलग कैरेक्टर्स की तरह ड्रेसअप होने में, वीडियो शूट करने में ना एक अलग ही टाइप का थ्रिल, एक अलग ही टाइप की खुशी, एक अलग ही टाइप का मज़ा आता था. इनफैक्ट बड़ा अच्छा लगता था खुद को एक अलग तरीके से एक्सप्रेस करने में. तो शायद ये भी एक ड्रीम था, टिल मेरी लाइफ में नीट पीजी नामक एक विलेन की एंट्री हुई. मैंने लिखा नीट पीजी 2021 का एग्जाम एंड मेरी रैंक आई, ड्रम रोल, 1.5 लाख. 1.5 लाख मेरी रैंक, यस. एंड उसके बाद शुरू हुआ, सुनोगे मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर. नॉट रियली. मैंने थोड़ी बहुत पढ़ाई करी, बट मैं थोड़ा बहुत कंटेंट वंटेंट भी बनाती थी. इन शॉर्ट, मैं डिस्ट्रैक्टेड थी, 100% फोकस नहीं थी. एंड नीट पीजी 2022 में मेरा रैंक आया 29,000. थिंग इज, मैंने ना प्राइवेट कॉलेज से MBBS की. हम जो प्राइवेट कॉलेज से MBBS करते हैं ना, हम लोगों में ऑलरेडी एक इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है. हम लोग खुद से ना बहुत ही कम उम्मीदें रखते हैं. बाकी आधी दुनिया हमें बोल बोल के, यू नो, पैसे दे गए हुए एडमिशन, नीट नहीं हुआ ना तुम्हारा, पैसे दे के हम 20-20 लाख फी दे के डोनेशन दे गए हुए तुम्हारा एडमिशन, ये सब बोल बोल के ना हमें ताने सुना देती है दुनिया. तो हम खुद से कुछ ज़्यादा उम्मीद रख ही नहीं पाते. तो मेरे लिए ना ये 29,000 रैंक ही बहुत बड़ी अचीवमेंट थी. आई वॉज जस्ट हैप्पी कि भाई मैं ऐसे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करके मुझे गवर्नमेंट कॉलेज में कुछ भी मिल सकता है. मुझे डिप्लोमा मिल सकता है, DCA, DGO, शायद ENT, एनेस्थीजिया. मेरे लिए यही एक बहुत बड़ी, यू नो, अचीवमेंट थी. मैंने सोचा कि एक और अटेम्प्ट दे देती हूँ, फिर से पढ़ना शुरू करती हूँ. फुल फोकस से शुरू करा. फैसला कर, फैसला तुझे वक्त बदलना है. एंड फिर से मेरा वक्त नहीं बदला. इन नीट पीजी 2023 आई गॉट अ रैंक ऑफ 23,000. बेटा, तुमसे ना हो पाएगा. जबकि इस बार आई डिड एवरीथिंग राइट. मैंने यूट्यूब कम्प्लीटली छोड़ दिया, इंस्टाग्राम छोड़ दिया, दोस्तों से मिलना छोड़ दिया, मैंने व्हाट्सएप तक पे बात करना छोड़ दिया. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, मैंने अपनी पढ़ाई करते करते वीडियो रिकॉर्डिंग बनाई और बैकग्राउंड म्यूजिक में बने आ रे बने आ रुकना तो बने ये गाना भी चलाया. मतलब ये गाने से तो सबका हो जाता है, बट एक्चुअली मैं, मेरा नहीं हुआ. एंड ये अभी फनी लग रहा है, बट उस टाइम पे आई वॉज जेन्युइनली शेकन. आई वॉज हार्ट ब्रोकन एंड मुझे काफ़ी टाइम लगा टू, यू नो, गेट दैट मेंटल स्टेबिलिटी बैक. अरे बात अब रैंक की, मार्क्स की, नीट पीजी, ड्रीम ब्रांच वगैरह की थी नहीं, बात अब ईगो की थी कि भाई ऐसा क्या है जो मुझसे साला हो नहीं पा रहा है. बात जब ईगो की आती है ना, तो याद रखना बहुत बेशरम इंसान हूँ मैं. एंड तब मैंने सोचा भाई एक लास्ट फाइनल अटेम्प्ट देंगे. मैंने मम्मा पापा को जो कन्विंस करा, प्लीज मम्मा एक लास्ट, वन टाइम, ओनली वन टाइम, गिव मी वन मोर चांस, फाइनल चांस. एंड वो लोग मान गए. एंड तब मैंने ना पूरा अपना प्रिपरेशन एनालाइज करा कि मैं कहाँ गलत हूँ, कहाँ सही हूँ, क्या है. इतने सारे टॉपरों के वीडियो देखे मैंने कि ये लोग कैसे पढ़ते, क्या सीन है. एंड एनालिसिस करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मेरी तो MCQ सॉल्विंग स्किल्स ही खराब है. ओके, काम डाउन दिविशा, फोकस. मेलाकोप्लेकिया हो सकता है, बिकॉज सिस्टाइटिस में तो दिखाई देता है ना. एंड PYQ भी है ये, तो शायद यही पूछ रहे हो. ट्यूबरक्यूलोसिस ब्लैडर, ट्यूबरक्यूलोसिस, अब TB हमारे देश में कितनी ज़्यादा है, तो शायद TB ही पूछ रहे. मेलाकोप्लेकिया, ट्यूबरक्यूलोसिस, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी. या अल्लाह, ये तो इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस है.
दिस माइट बी एन एग्जैजरेटेड वर्जन, बट ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि मेरे को खुद के आंसर पे ही कॉन्फिडेंस नहीं होता था. मैं साला डरती बहुत थी, बिल्कुल सही जजमेंट नहीं कर पाती, तो मैंने उस पर काम करा. एंड उसके बाद क्या, फिर उसके बाद हमने फिर से एक बार लास्ट टाइम रुना तो बंदे आ, रुकना तो बंदे आ, राह पे चल बंदे आ. फाइनली दिस ईयर इन नीट पीजी 2024 आई गॉट अ रैंक ऑफ 4000 के आसपास. क्या 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 क्या, वाओ. एज आई एम नॉट टेलिंग यू द एग्जैक्ट नंबर क्योंकि अभी काउंसलिंग होनी है एंड आई जस्ट यू नो वांट टू प्ले इट सेफ, बट समवेयर अराउंड दैट. दिस टाइम आई डिड एवरीथिंग राइट. मैंने मॉक टेस्ट दिए, मैंने एक प्रॉपर शेड्यूल बनाया, मैंने प्रॉपर छोटी कॉपी बनाई जिसमें यू राइट ऑल द वॉलेटाइल स्टफ्स, मैंने अपनी एमसीक्यू सॉल्विंग स्किल्स पे काम करा, मैंने थोड़ा ओवर थिंकिंग और थोड़ी एंग्जाइटी पे काम करा कि इतना डरना नहीं है. दैट वॉज माई स्टोरी ऑफ नीट पीजी. अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि ऐसा क्या था दैट यू चूज टू टेक अनदर ड्रॉप, तो यही था कि मेरे को लगता था कि मैंने अपना 100% नहीं दिया है. सो अगर आप भी ऐसे हो और आपको भी आपका कहीं मिडिल रैंक की रेंज में स्टक है एंड यू थिंक कि यू नो देर इज अ लिटिल फाइट लेफ्ट इन यू एंड आपने अभी भी अपना 100% नहीं दिया, तो यू कैन गिव इट अनदर शॉट यार. मतलब एट दी एंड इट्स जस्ट वन ईयर, इट्स ओके. एक दो साल ऊपर नीचे तो चलता है यार, ठीक है, यू कैन ऑलवेज लाई अबाउट योर एज. नीट पीजी वीजी हो गया, लेकिन एक कैमरा के सामने बैठ के ऐसे वन ऑन वन बक लॉली करने में मुझे जो मजा आता ना भाई, नथिंग बीट्स दैट. सॉरी, कूल बनने का ट्राई कर रही थी, हो नहीं पाया. ओ एंड आई ऑल्सो वॉन्टेड टू शेयर विद यू ऑल दैट इफ यू आर टारगेटिंग नीट पीजी 2025, तो यू कैन हैव अ लुक एट डॉक ट्यूटोरियल्स ऐप. उसमें लाइव क्लासेस होती हैं एंड उन लाइव क्लासेस को बाद में यू नो दे आर ऑल्सो अवेलेबल एज रिकॉर्डेड क्लासेस. एंड राइट नाउ उनका एनिवर्सरी बोनाजा चल रहा है एंड दे आर गिविंग अ फ्लैट 30% ऑफ ऑन ऑल देयर कोर्सेज ऑन 28th, 29th एंड 30th सितंबर. यू कैन यूज द कूपन कोड गिवन हियर एंड यू कैन अवेल अ 30% ऑफ. सो यू कैन हैव अ लुक एट द ऐप. दैट इज द वीडियो यू गाइज. इफ यू गाइज लाइक द वीडियो यू नो वॉट टू डू, गिव इट अ बिग फैट थम्स अप, क्लिक दैट सब्सक्राइब बटन एंड कमेंट डाउन बिलो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, यू वांट टू टॉक टू मी, या फिर इफ यू हैव सम आइडियाज फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, डू दैट. प्रेस द बेल आइकन एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून. ओके, बाय बाय.